हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब वो पर्टिकुलर जो धरना जब उसका आउटकम आई मीन कंप्लीट हुआ था, हम ये एक एक्सपेक्टेशन हम ये रखा था कि स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनेंगे और इसको इमीजिएटली रिड्रेस करेंगे। लेकिन वहाँ पे ऑनरेबल सीएम सर का तरफ से ये बोला गया था कि आप चीफ सेक्रेटरी सर से मिलिए, और वो लोग बोला है कि 13 पॉइंट्स रिजोल्व हो गया है बोला है। इनफैक्ट हम जाके चीफ सेक्रेटरी सर को मिला, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने के बाद उसका तरफ से ये बोला है कि आप लोग का इशू सही मायने में अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है, लेकिन ये बात भी बोला है कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए ऑनरेबल सीएम खुद ही उसको एड्रेस करना पड़ेगा। हमने चीफ सेक्रेटरी सर को हमने बोला कि तो जितना भी जो भी इश्यूज़ है आप इसको काइंडली अप्राइज करना है, और हमारा जो भी इशू इसको इमीजिएटली रिड्रेस करना है। तो लास्ट 12-13 डेज से हम एसपी ऑफिस से लेके डीसी ऑफिस से लेके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से लेके हर जगह हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ में हम लोग को परमिशन धरना का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है जब हम डीसी सर के पास आते हैं तो बोलते हैं कि आप एसपी के पास जाइए क्योंकि एसपी से आपको एनओसी लेना है, और जब एसपी के पास जाता है तो एसपी बोलता है कि हम एनओसी सिर्फ एक ही दिन का दे सकता है, लेकिन आपको अगर एक दिन से ज़्यादा चाहिए तो आप डीसी से बात कर लीजिए। आप हमें बोला है कि आप हमें लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ मत कीजिए, बनकोल मत कीजिए, मना है, ओके इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, लेकिन जो पीसफुल सिटिंग धरना है, जो लीगली हम इसको परमिशन लेके करना चाह रहे हैं, और जो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, तब उसी बात को लेके हम यहाँ पे दोबारा डीसी सर का यहाँ पे आया है तो डीसी सर फिर वही बात बोल रहा है अभी एसपी से एनओसी लो, अभी फिर हम एसपी के पास जाएगा, एसपी फिर एक ही दिन का देगा, फिर हम लोग फिर डीसी के पास आना पड़े। यही गोल गोल चक्कर हम लोग को राउंड एंड राउंड, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर से तीसरा कॉर्नर, अभी यहाँ में हम लोग को यहाँ पे लिमिट करके रखा है। डीसी क्लियरली बोला है, उसको होम मिनिस्टर बामन फेलिक्स सर खुद कॉल करके उसको वार्निंग दिया है कि 7 डेज का परमिशन दे रहा है। चीफ सेक्रेटरी सर का जो इंचार्ज है चौहान सर, वो बुला के उसको गाली दिया है, उसको 2 घंटा उसको ये ड्रिल किया है उसको कि आप क्यों ये का 7 डेज का दे रहे हैं बिना अप्रूवल का। लाइकवाइज प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी प्रेशर आए हैं, बोला है अभी तब जाके हम वो कंसर्न अथॉरिटी को भी हम मिला है, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो तब हम आपसे परमिशन ले लेते हैं, तो आप उसके लिए एक ऑर्डर पास करके देखिए। लेकिन वो लोग बोलता है कि नहीं, उसका जो कंपिटेंट अथॉरिटी तो डीसी है बोलता है। फिर डीसी का पास आने से फिर बोलता है कि हमें यहाँ में प्रेशर दिया जा रहा है, डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है, लेकिन प्रेशर आने से भी अभी डीसी के ऊपर में डिपेंड करता है कि हाउ मच स्पाइन ही हैज़, वेदर ही हैज़ द स्पाइन टू स्टैंड बाय हिज जो उसका जो ड्यूटी है, क्योंकि डीसी को हम वही अपील कर रहे हैं कि आप जो भी प्रेशर आओ आप अपना ड्यूटी कीजिए, और हम जो भी हायर अथॉरिटी हम वो लोग से भी अपील करना है कि आप लोग काइंडली यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो रोल है, जो भी इसका एक्टिविटीज़ है, आप यहाँ में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं,